डाउन यूसे वाला कोल ट्रेन GU40 9039 लोकोमोटिव के साथ सनावा स्टेशन से थ्रू हो गई है, और इसके साथ 41 टोटल कोचेज लगी हुई हैं, जिनमें एक ZNRV यानी ब्रेक वेन कोच और 40 ZVKH लोडेड। और ये ट्रेन जो यूसे वाला कोल ट्रेन है, ये तकरीबन एक मंथ के लिए यानी कि बंद हो गई थी, और अब अल्लाह का अलग शुक्र है कि दोबारा चल पड़ी हमारे सेक्शन पर। यानी जो KTA कोल इधर से जाता है उसका एम्प्टी लोड, फिर उसमें ये यूसे वाला कोल की लोडिंग हुई है। अब तो अब ये जाएगी यूसे वाला कोल प्लांट में। GU40 9039 जो है ये KTA कोल के साथ गया था। डेट है आज 11 जनवरी 2023, टाइम 1:55। चाइनीज़ ब्रेक में लगी हुई है ये जो ZNR अभी कोच है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जा रहा हूँ सनावा स्टेशन पर 127 आपकी वीडियो बनाने के लिए, और अभी सनावा रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल के साथ हूँ। तो जब तक गाड़ी नहीं आती तो ट्रेन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताता हूँ मैं आपको, और आपने ये सिग्नल सिस्टम भी देखना है, ये मैं सिग्नल सिस्टम भी आपको दिखाऊँगा। तो आज 127 आपके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HPU 20 8070, और 127 अब सनावा तक राइट टाइम आ रही है, और डेट है आज 18 फरवरी 2024, टाइम हो चुका है 5:18। तो हम 127 अब जो है ये स्टेशन से देखेंगे। अभी मैं इधर ही हूँ ये होम सिग्नल्स के साथ, आपको ये पाकिस्तान रेलवे का ऑटो ब्लॉक सिग्नल सिस्टम दिखा रहा हूँ। ये सारा ऑटो ब्लॉक सिग्नल सिस्टम है, यानी मेन लाइन पर तो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है ना, वो CBI सिस्टम यानी कि, तो इधर तो यानी कि खुद ऑटोमेटिकली इधर ये कांटे बनाने पड़ते हैं। ये जो लीवर है इसको ऐसे जो है ना खींच कर पीछे कर किया जाता है ऐसे, तो अभी मैं तो नहीं कर रहा। तो जब गाड़ी को लूप लाइन पे लेना हो यानी किसी गाड़ी के साथ क्रॉस हो, तो फिर ये लीवर पीछे खींच के फिर ये वाली लाइन है ये वाली इसके साथ जुड़ जाती है, और जो अब इसके साथ जुड़ी हुई है ये अलहदा हो जाती है, तो फिर ये लूप लाइन का कांटा बन जाता है, यानी जो मेन लाइन पे गाड़ी जाने वाली होती है वो लूप लाइन पे इंटर हो जाती है। तो ये थोड़ा बहुत ऑटो ब्लॉक सिग्नल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बाकी आज एक न्यूज़ आई थी कि ट्रेन के किराए में 2% इजाफा हो गया है, तो अभी जिस ग्रुप में मैं ऐड हूँ उसमें शाम को अपडेट अभी आई हुई थी, तो बता रहे थे कि
ब्रांच लाइन पर जो ट्रेनें चल रही हैं उनके क्रम में इजाफा नहीं हुआ। यानी ब्रांच लाइन तो हमारा सेक्शन है, ये पेशावर साइड और कुंदिया सेक्शन, तो इन ट्रेनों के किराओं में इजाफ़ा नहीं हुआ। यानी मेन लाइन पर जो ML1 पर गाड़ियां चल रही हैं उनके किराओं में इजाफ़ा हुआ है। यानी जिस ट्रेन का किराया पहले एक स्टेशन से जैसे सनावा से गुरबानी मिसाल के तौर पर, तो उसका किराया अगर 200 था तो अब 300 उसका किराया हो गया। तो काफ़ी सारा मुसाफिर जो हैं वो ग्रुपों में लोग भी यानी कि कह रहे थे कि यार ये नहीं बढ़ाना चाहिए था, जैसे किराए पहले चल रहे थे ऐसे ही होने चाहिए थे। लेकिन ये तो फिर आगे पाकिस्तान रेलवे और गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। तो जहाँ तक मेरी इतलात हैं तो ब्रांच लाइन पे जो ट्रेनें चल रही हैं जैसे हमारी थल एक्सप्रेस है, तो इसके किरायों में कोई रद्दबदल नहीं किया गया, यानी कोई इजाफा नहीं किया गया। और 2% किराया जो है वो मेन लाइन की गाड़ियों के लिए बढ़ाया गया है। जैसे ये खैबर मेल है और ग्रीन लाइन है, यानी मेन लाइन ML1 की गाड़ियाँ जो है, जो ML2 की गाड़ियाँ हैं उनके किरायों में कोई इजाफा नहीं किया गया। बाकी मज़ीद अगर आपको पता है इस बारे में तो आपने बताना है कमेंट में, ठीक है। तो कल भी मैंने आपको वीडियो में ये लूप लाइन दिखाई थी इस्लामा स्टेशन की, इसकी हालत बिल्कुल नाजुक हो चुकी है। यानी लोडेड गाड़ी का क्रॉस इधर नहीं करवाया जाता, एम्प्टी ट्रेन भी बस डर डर के इधर क्रॉस करवाया जाता है क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। ये देखें बहुत ही पुरानी हो चुकी है, तो इसके काफ़ी सारे क्लिप जो हैं वो टूटे भी हुए हैं आगे जाकर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो लूप लाइन है ये मेन लाइन से कनेक्टेड है और लूप लाइन एक और लाइन से भी कनेक्टेड है, यानी 3 नंबर कांटे से, जो कि अब ये वाली लाइन ख़त्म हो चुकी है मुकम्मल, इसको मुकम्मल अब बंद कर दिया गया। यानी ये जो कांटा सिस्टम है ये अब इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि तीसरी लाइन पर जो है कोई गाड़ी नहीं जाती। तो जो लाइन यानी अबेंडेड हो चुकी है उसकी हालत, और ये जो मैं लूप लाइन है इसकी हालत ये देखें, इसका ये सारा टुकड़ा जो है ये उखड़ा हुआ है नीचे से, तो इधर तो मेरे ख्याल में अब एम्प्टी ट्रेन भी नहीं ठहर सकती। एम्प्टेड लूप लाइन यानी जिस पे बहुत अरसा पहले, कुछ सालों पहले इधर फल्टी लेदर ट्रेनें ठहरा करती थी और उनकी अनलोडिंग होती थी, और बैलेस्ट ट्रेन की लोडिंग भी इधर ही हुआ करती थी सनामा से। फिर ये बैलेस्ट ट्रेन जो है ना पत्थर गिराती थी इधर मुजफ्फरगढ़ साइड पर, और वापसी फिर एम्प्टी लोड इधर ही आता था, इस लाइन पे ठहरा करता था। लेकिन उसके बाद फिर बैलेस्ट ट्रेनें जब से बंद हुई हैं तो इस ट्रैक की मेंटेनेंस भी छोड़ दी गई है, तो अब ये खंडर बन गई है बिल्कुल। तो यानी कि अब जिस स्टेशन पर 3 लाइनें हैं यानी कि इस्तेमाल में हुआ करती थी, आज उधर 2 भी सही नहीं है। यानी मेन लाइन पे कुछ गुजारा कर रही है मेन लाइन, लूप लाइन का लोडेड गाड़ी नहीं खड़ सकती, और तीसरी लाइन जो है इस पर पहले ट्रेनें खड़ा करती थी आजकल वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। ये देखें ये ट्रैक अब जो है बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं है, इसकी हालत भी चेक करें तो कुछ भी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं है इधर। ऐसे ये दूसरी लाइन जो लूप लाइन है और तीसरी लाइन ये लगती तो एक जैसी हैं, लेकिन बस इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस जो की जाती है तो फिर इस पे गाड़ी बस ठहर जाती है, बाकी हैं दोनों एक जैसी। तो ट्रेन का अराइवल हो रहा है स्टेशन पर,